दो सब बोले सर प्लीज प्लीज सबको भी संपत्ति वफा की शुभकामनाएं। महाराष्ट्र और खासकर मुंबई हमें गणेश उत्सव जो होता है वो बड़े पैमाने पे सेलिब्रेट करते हैं। सहयोगी मेरे पास आए थे सर हमारे पास आते मुझे पता नहीं था कि एक्चुअली लोकेशन क्या है। मुझे पता नहीं है कि आई थे बाकी में अच्छी बात है। आज पहला साल है आप नया मेरा डेवलपमेंट कर रहे हैं। मेरी ऑल द बेस्ट विशेष आपको संपत्ति बापा आपको सब खुशियाँ उसमें आपके जो हैप्पीनेस है और सक्सेस बेसिकली रहते हैं कि संपत्ति बापा जो है सक्सेस की देवता ये भी काम करना चाहते हैं तो पहले पूजा करते हैं तभी से अपना सब उसका काम शुरू होता है। ऑल सक्सेस भी आपको मिल जाए मेरी यही रहे आपको शुभकामना रहे कि आप ये सबके ग्रुप को भी मुंबई अलग तरफ से डेवलप हो रहा है उसी डेवलपमेंट में आप भी हिस्सा ले रहे ज्यादातर कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट ज्यादा आ गया है तो फंक्शनल हो जाएगा तो अगले फंक्शनल हो जाता है धीरे धीरे यहाँ शिफ्ट होना शुरू करेंगे और सेंट्रल लोकेशन रहेगा सबसे नजदीक वाली बात रही थी एयरपोर्ट के बाजू में सब प्लेसेस को और अभी अगले दिनों में दोनों एयरपोर्ट भी कनेक्ट हो जाए मेट्रो से ये जो जगह है राइट एट द रिपोर्ट जैसे वाटर टैंक से पोटेंशियल बहुत है सब इंडस्ट्री एरिया है उसमें अभी डेवलपिंग हो रहा है। एशिया के सबसे बड़ा डेटा सेंटर यहाँ आ रहा है कमर्शियल डिपार्टमेंट बहुत सारी है यही सिचुएशन में आपको बार बार काम करने का होगा और आपकी और सक्सेस पे आप तरह की यही करने का बात के सामने मेरी प्रार्थना रहे। धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाया सम्मान किया इसलिए धन्यवाद। 24 इम्प्रिया ग्रुप क्यों होना धीरज सर हमारे साथ हैं। गणपति जी का सर बुलावा आपके यहाँ होगा किस मनोकामना के साथ बुलावा किया था आपने? हम लोग एक्चुअली अचानक बैठे थे यहाँ पर एक दिन अचानक से गणपति बाबा का बुलावा आया कुछ नहीं था कुछ डिसाइड नहीं था ऐसा लगा इस टाइम के नहीं अभी हम गणपति बाबा का उत्सव मनाते तुरंत मतलब डेढ़ दिन डिसीजन लिया और डेढ़ दिन में हमने पूरा खड़ा किया। पहले तो मंडप वाला कोई नहीं मिला उस टाइम ऐसा लगा पापा का बुलावा है और मंडप वाला ठीक हो रहा है अचानक एक बंदा खड़ा हुआ बोलते हमें मंडप करके देगा ऐसा लगा कि नहीं पापा बन के ही बंदा आया मतलब बिना सेकंड इज और प्लानिंग यस यस कुछ भी नकी नहीं था अचानक से। इस बार पापा से क्या मांग हुआ है आपका? पापा से मैं क्या मांगूंगा पापा तो सब उनको सब कुछ पता है मुझे क्या चाहिए आप दुनिया को क्या चाहिए पापा से मांगा नहीं जाता है। पापा सिर्फ ये बताएंगे कि मुझे क्या जरूरत है मेरे लिए क्या सही है वो पापा खुद सोचेंगे मुझे उसके मांगने की क्या जरूरत है पापा को सब इतना फास्ट अरेंजमेंट होना जैसा आपने बताया कि बहुत कम टाइम में डिसीजन लिया आपने तो सबका अरेंजमेंट कैसे हुआ इस बार? सर हम लोग ये बिजनेस में है तो हमारे साथ बहुत लोग अपने लोग जुड़े हुए हैं जैसे हमारे यहाँ के चैनल पार्टनर्स है पूरी नई मुंबई में फैले हुए लोग हैं हमारे स्टाफ है 35-40 लोगों का स्टाफ है फिर ऑफिस में एक ही ऑफिस में अपना स्टाफ है फिर हमारे साथ हमारे रिश्तेदार से हमारे बिजनेस पार्टनर से कम मेरे 50 अलग अलग प्रोजेक्ट के पार्टनर काउंट करूंगा तो 50 पार्टनर हो जाते हैं अलग अलग प्रोजेक्ट वाइज। एम्पीरिया का तो ऑनर नहीं हूँ पर ऐसे जो होता है कि जो ग्रुप में जुड़े हुए लोग हैं तो मैंने सबको एक एक बार सबको मैसेज किया मैं बोला आप बप्पा का आगमन हो रहा है बस आपको मेरे साथ खड़ा रहना है किसी ने मना नहीं किया सब खड़े हो गए एक फ़ोन पे सब सपोर्ट करने के लिए तो फिर तो कहाँ कमी रहती है जितने लोग जुड़ जाते हैं एक साथ तो मैं सबका उन सबका आशीर्वाद और धन्यवाद करूँगा कि मेरे एक फ़ोन पे मेरे पे इतना भरोसा जताया और मैंने यहाँ के आसपास के सारे बिल्डर्स को बुलाया हुआ है सारे बिल्डर्स आए
क्योंकि नॉर्मली हम लॉन्चिंग करते तो अपने प्रोजेक्ट में दूसरे प्रोजेक्ट पार्टनर बिल्डर को नहीं बुलाते, पर मेरा ये बप्पा का बुलावा था, तो मैंने सोचा कि नहीं मुझे भेदभाव किसी से नहीं करना है। पूरे बिल्डर लॉबी को वो इन्विटेशन दिया, पर्सनली फ़ोन किया सबको, पर्सनली चैनल पार्टनर्स को फ़ोन किया, सब आए, सब ने बप्पा का दर्शन लिया। और मैंने उनको सबको साथ में ये बोला था कि मैं 5 दिन का आयोजन कर रहा हूँ और पाँचों 5 दिन में सबके लिए यहाँ खाना महाप्रसाद चालू रखना, सबके लिए, हर एक इंसान के से अपने जो साथ जुड़े हैं उनके लिए भी, और कोई भी राह चलते हुए निकलता है बंदा उसके लिए भी, सबके लिए 5 दिन के मैंने दोपहर का और रात का दोनों टाइम का महाप्रसाद सबके लिए रखा था। तो मैं आपसे लास्ट सवाल रहेगा, अपने फादर की लेगेसी हर कोई बढ़ाता है, तो आप उस लेगेसी को किस ओर लेके जाना चाहते हैं आने वाले 5 सालों में? सर मेरे फादर का लेगेसी तो ऐसा था कि वो सिर्फ काम में बिलीव करते थे, उनको हमेशा ऐसा था कि जो इंजन काम कर सकता है तो उसको रुकावटें कोई भी हो हट जाती है, और रुकावटें उल्टा जो अच्छा काम करते हैं सही काम करते हैं उनको रुकावट आती ही है। मेरे फादर का ये हमेशा बोलना था, जो सही काम करोगे तो रुकावट आएगी, गलत काम करने वाले को रुकावटें नहीं आती है, पर सही काम करने वाले की जो रुकावटें आती है वो तुरंत हट जाती है, और गलत काम करने वाले की जो रुकावट बाद में जब लास्ट में आती है वो हमेशा जिंदगी भर बर्बाद हो जाते हैं। तो सही करने वाले की रुकावट आएगी पर तुमको दिक्कत नहीं देगी, हमेशा ऐसा लगेगा तुम सच्चाई के साथ खड़े हो ना तो तुमको कोई नड़ेगा नहीं, मतलब फ्यूचर में तुमको रास्ता क्लियर ही हो जाता है। सच के दुश्मन बहुत होते हैं, सच के दुश्मन होते हैं, वो हुआ ही है हमारे साथ, ऐसा हादसा भी हुआ ही है सबको पता है, तो सच वाले के साथ हमेशा होता है। चलेगा इस बार जो सच्चा है, रास्ते कठिन होते हैं लेकिन सफर हमेशा सुहाना होता है। यस यस एकदम सही, और देशवासियों को मैं हार्दिक शुभकामना देना चाहता हूँ गणपति बप्पा के विसर्जन, अभी आज मेरा विसर्जन है यहाँ पर है, पर अभी भी चालू है 11 दिन के गणपति सबके अलग अलग, तो मैं पूरे देशवासियों को गणेश चतुर्थी की और गणेश भगवान की उपासना जिसने जो भी किया है उन सबको, देशवासियों को, पूरे भारतवर्ष को, एम्पेरिया ग्रुप की तरफ से मैं धीरज मंजेरी आप पूरे देश को शुभेच्छा देना चाहता हूँ, सबकी मनोकामना पूर्ण हो, देश भगवान गणपति का सबकी पूरी करे, इच्छाएँ सारी पूरी करे। थैंक यू सर। देखो ये सब आशीर्वाद की बात है, लोगों का आशीर्वाद, बापा का आशीर्वाद, प्रजा का, जो महाराष्ट्र के लोग हैं यहाँ के नई मुंबई के लोग हैं, और नई मुंबई इतना सारा ग्रोथ हो रहा है तो उसका विज़न बहुत अच्छा, सर ने यहाँ पे जो सर भी आए थे अभी म्यूनसिपल कमिश्नर सर आके गए थोड़ी देर पहले, तो उन्होंने भी यही बताया कि मुंबई का, नई मुंबई का जो ग्रोथ है बहुत अच्छा होने वाला है। तो क्या होता है, हर एक ऑफिसर का एक विज़न होता है, उनके साथ पूरा डेवलपमेंट चलता है, तो बस उसी तरह ये अपने लोग चल रहे हैं और हम भी ऐसा मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करने वाले लोग हैं, व्यापारी लोग हैं, तो हमको सिर्फ मेहनत करने आता है, कर्म करने आता है। इस बार एम्प्लॉय ग्रुप के थ्रू किस टाइप के प्रोजेक्ट अपकमिंग दिखने वाले हैं फ्यूचर में? अभी हमारे पास कमर्शियल प्रोजेक्ट चालू है, रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट चालू है, अभी हम बंगलो प्रोजेक्ट ला रहे हैं जो मुंबई में पनवेल में ला रहे हैं, मतलब जिसको बोल सकते हैं हम फर्स्ट होम बंगलो। लोग आज तक मुंबई में सेकंड होम बंगलो दे रहे हैं, लोनावाला, करजत, खोपोली उस तरफ, फर्स्ट होम बंगलो मुंबई में किसी ने दिया नहीं है जो मैं हम लोग ला रहे हैं। एज अ आपको याद होगा आज से सालों पहले जुहू और चेंबूर इलाका जो है वहाँ सेकंड होम बंगलो थे, जो आज की तारीख में सिटी में अंदर है, बड़े बड़े स्टार सेलिब्रिटीज़ लोग उन्होंने लिए थे उस टाइम, अभी वो सिटी में रहते हैं बंगलो में। आज एक उनको एक ऐसा लगता है कि मुंबई में बंगलो में रहना मतलब एक स्टेटस हो गया, तो वो अभी तो कोई ले नहीं पाएंगे अगर हम बिलियनर लोग नहीं हैं या कोई बड़े स्टार नहीं है तो अभी मैं पनवेल में लाने का रीज़न यही है कि आज मैं पनवेल सिटी के बाउंड्री पे मैं बंगलो ला रहा हूँ, जो 2-5 साल के बाद सिटी में आ जाएगा तो वापस वही सपना पूरा होगा जो आज जुहू में रहते हैं या स्टार्टिंग रेंट, जैसे आपने बताया कि बहुत उनका सपना नहीं होता, उस सपने को आप पूरा कर सकता है मिडिल क्लास फैमिली भी, बजट क्या होना है? सर 2.25 करोड़ में आज की तारीख में फ्लैट्स के 2 BHK 3 BHK फ्लैट्स आते हैं नई मुंबई में, वो मैं वही साइज़ में 3 BHK बंगलो ला रहा हूँ, मतलब स्टार्टिंग 2.25 करोड़ से स्टार्ट कर रहा हूँ 3 BHK बंगलो, उसमें कारपेट भी ऐसा समझो फ्लैट से तो ज़्यादा ही रहेगा, ऑलमोस्ट डेढ़ा कारपेट रहेगा और उतना ही प्लॉट रहेगा, तो वही सब से मैं लोगों को एक सपना पूरा, मतलब वहाँ ऐसा है मेरा प्रोजेक्ट पे FSI 2 का FSI है, फिर भी मैं बंगलों में कंज्यूम नहीं कर पाता हूँ, पर उसके लिए मैं क्या होता है मुंबई में आपको मालूम है हर एक बिल्डर का एक होता है कि FSI छोड़ नहीं सकते, मैं ऐसा बिल्डर हूँ शायद लोगों को पागल लगता होगा कि ये बंदा 1.5 का FSI छोड़ रहा है, आधे FSI में बंगलों खड़ा कर रहे हैं, पर मुझे कुछ मुंबई को देना है, कुछ यूनिक चीज़ देनी है, तो मुंबई में लोगों को बंगलों में रहना सिखाना है, क्योंकि सब लोग जितने भी मुंबई में आते हैं लोग हर एक
अलग अलग स्टेट से आए हैं, बंगलों में रह के आए, कोठियों में रह के आए, बंगलों मतलब नीचे रो हाउस में रह के आए, तो उनको मुंबई में कोई विज़न मतलब कोई है ही नहीं बंगलों देने वाले जो सिटी में। तो मेरा एक सपना है, नहीं मुंबई को मैं कुछ अच्छा देना चाहता हूँ, तो उस वजह से मैं बंगलों का प्रोजेक्ट लाया हूँ। ओके, आने वाले समय में और भी आपसे कनेक्ट होंगे, और इस बार पप्पा आपकी जो भी मनोकामना उस वक्त पूरा करें, और देखते हैं कि क्या होने वाला है उस समय पर। सर पप्पा का आशीर्वाद हमेशा बना रहा है मेरे यहाँ, तो मैं अचानक से नक्की किया, फर्स्ट टाइम आए हैं, अभी तो हर साल आएंगे पापा, हर साल आने वाले, अभी तो हर साल आएंगे, अभी वो अपने जो हिंदू धर्म के हिसाब से जो रूल है कि भाई 5 साल लाना चाहिए, 10 साल लाना चाहिए, तो वो तो हर साल अभी तो आना ही है, जब तक पापा की इच्छा है तब तक आएंगे। ओके, थैंक यू।